अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वबा वही जो फैली हुई है उस पर तीसरी मेरी वीडियो है। आज हम बताएंगे कि कौन कौन सी गजाएं हम खाएं तो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी हमारे जिस्म में। कौन कौन सी गजाओं में ऑक्सीजन ज़्यादा है, कौन कौन सी गजाएं हमारे लंग्स को ताकत देंगी। तो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। डॉक्टर नदीम सरवर मेरा नाम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मेरे ही नाम से है। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, शुक्रिया। तो ऑक्सीजन, ये जो हमारे इस टाइम वबा फैली हुई है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है बुखार और उसके बाद लंग्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। रात मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया है 12 बजे कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं अवेलेबल, जो लोग घर में ऑक्सीजन लगा रहे हैं और हॉस्पिटल्स में भी यही हालात हैं कि ऑक्सीजन। तो इस तरह जो घर में हम लोग हैं, हम क्या चीज़ें खाएँ जिससे हमारे जिस्म में ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा हो, तो वो आपको मैं टिप्स थोड़ी बता रहा हूँ। मेडिसन्स भी हैं इसमें, होम्योपैथिक की बहुत सारी मेडिसन है। लास्ट में आपको मेडिसन बताऊँगा कि अगर ऑक्सीजन आपकी कम होना शुरू हो गई है, ऑक्सीमीटर मिल रहा है वो लगा के इधर आप चेक कर लें, तो वो भी खैर से महंगा कर दिया गया है। तो अगर जिस्म में ऑक्सीजन कम है 96 से लेके 100% तक, और बल्कि 98 से 100 तक होनी चाहिए ऑक्सीजन, जो ऑक्सीमीटर में अगर हम चेक करें तो। अगर उससे कम है तो प्रॉब्लम है, फिर आपको कुछ गजाएँ चेंज करनी पड़ेंगी, कुछ मेडिसिन इस तरह की लेनी पड़ेगी। तो पहली जो चीज़ है वो है पालक, स्पिनच। पालक आजकल के बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे कुछ बहनों और भाइयों के मैसेजेस आ रहे हैं कि बच्चों को अगर ये वबा हो जाए तो क्या करें। तो उनको खुराक इस तरह की दें जिससे उनके जिस्म में ऑक्सीजन वाफर मकदार में रहे और वो बीमारी की तरफ ना जाएं। अगर वबा आ भी गई है तो थोड़ी बहुत सिम्टम्स आएंगी और वो इंशाल्लाह क्योर कर जाएंगे। पालक का इस्तेमाल करें, पालक किसी फॉर्म में भी कर लें, उसको छोटा छोटा करके सैलड में मिक्स कर लें उसको। आप पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो पालक में है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली चीज़ पालक है, स्पिनच। इवन गोरे भी इस्तेमाल नहीं करते थे, तो पहली वीडियो में मैंने बताया कि पोपाए एक कार्टून बनाया गया है ताकि बच्चे उसको देखें कि पालक खाने से कितनी ताकत आती है। तो पालक, आप पालक गोश्त बना लें, आलू पालक बना लें, इसमें कच्ची चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, आप सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ वो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है लेकिन शहरों में मौजूद है, अच्छे स्टोर में मौजूद है, ब्रोकली। ब्रोकली हमारे जिस्म में ऑक्सीजन ज़्यादा बनाती है, ब्रोकली हमारे जिस्म के लिए बहुत आला है। गोभी की तरह का फूल होता है छोटा, इसको इस्तेमाल करें, ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी जिस्म में। तीसरा है एवोकाडो, इसको कुछ लोग नाशपाती भी कहते हैं, तो ये सीजनल है, अगर तो अवेलेबल है तो लें, तो नहीं अवेलेबल तो इस, ये जो चीज़ें मैं सारी बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि ये सारी खानी है, इसमें से जो अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल करें, ठीक है। नाशपाती यानी एवोकाडो, नाशपाती का ये नहीं है मतलब इसका, लेकिन नाशपाती से मिलता जुलता ये फल है। इसके बाद स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी, या जो आलू जिसम हमारे बाहर मिलते हैं, तो जब मौसम नया आता है तो आलू आते हैं, तो हम लोग कहते हैं ये मीठे आलू हैं ये नहीं खाने, हालांकि उसमें गजाइत ज़्यादा है। वो वैसे खाने को शायद अच्छे नहीं लगते होंगे कि मीठे हैं, लेकिन उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। पहाड़ों पे अगर जाके आप हंजा सवाद इस तरफ नारायण कागान की तरफ, तो वहाँ आपको स्वीट पोटैटो ही मिलेंगे, तो वहाँ दूसरे पोटैटो कम हैं, तो वहाँ उनमें रिच ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल करें। वो भी आप मैश पोटैटो बना लें, किसी तरह भी जिस तरह आपके जिस्म में जा सकता है वो जाए। फ्राई ना कीजिएगा, अगर फ्राई करते हैं बच्चों को चिप्स पसंद है तो दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है,
लेकिन उसके साथ फिर पानी ना दें, ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें फ्राई चीज़ के साथ, तो ये बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। इसके बाद आम सी एक चीज़, तरबूज, वाटरमेलन, इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है, ये हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में ऑक्सीजन पैदा करता है, पानी इसमें बहुत ज़्यादा है। इसकी एहतियात आपने ये करनी है कि आप इसके 1.5 घंटे बाद तक पानी नहीं पियेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें पानी वाफर मकदार में मौजूद है, तो बाद में पानी का इस्तेमाल ना करें। बच्चों को ये लाजमी दें, बड़ों को भी दें जिनको ये वबा नहीं आई, आ गई है, सिर्फ खांसी है, बुखार है, तब भी ये दें ताकि उनकी ऑक्सीजन लेवल पूरा रहे। तो तरबूज, कुछ लोग नमक डाल के इस्तेमाल करते हैं, नमक इस पर हरगिज़ ना डालें, उसका जूस बना के लोग पी लेते हैं, वो ख़ुद ही एक जूस की तरह होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज खाएं, बहुत आला चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है। इसके बाद छठी चीज़ है जी मीट, गोश्त का इस्तेमाल करें। इसमें अब आप ये ना देखें कि मोटापा आ गया है, मोटापा आएगा फैट के साथ, अगर आप उसमें घी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो ना इस्तेमाल करें। आप वैसे जनरल स्टेक बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में जो सालन बनता है आलू गोश्त है या चिकन का शोरबे वाला, ड्राई चीज़ें कम इस्तेमाल करें, शोरबे वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। इसमें चिकन आ गया, मटन आ गया, बीफ आ गया, ये तीनों में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, हमारे जिस्म के लिए बहुत आला है, ये हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, तो इसका इस्तेमाल भी करें। अब अगर वही मीडियम कोई फाइनेंस का प्रॉब्लम है, मटन ना करें, चिकन कर लें, इसमें ब्रायलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है देसी चिकन इस्तेमाल करना। यखनी, जिन पेशेंट्स को लंग्स इन्फेक्शन हो गया है तो वो इसी में यखनी भी मीट वाले हिस्से में ही आएगी, कि चिकन का आप यखनी बना लें तो वो इस्तेमाल करें। इसके बाद पाइनएप्पल, अनानास, पाइनएप्पल फ्रेश तो अवेलेबल नहीं है इधर हमारे यहाँ, दूसरी कंट्रीज़ में है, अगर किसी इलाके में अवेलेबल है या यूके में या बाहर जो लोग सुन रहे हैं वो इसको इस्तेमाल करें। विटामिन सी इसमें बहुत वाफर मकदार में है, CSE 1000 लोगों को पिलाई जा रही है, बहुत ज़्यादा, तो उसके मुतबादल अनानास इस्तेमाल किया जा सकता है, पाइनएप्पल इस्तेमाल किया जा सकता है। पाइनएप्पल को जितना ज़्यादा हो सकता है खाएं, शुगर वाले पेशेंट इसको इस्तेमाल ना करें। इसके बाद है जी सी फूड, समंदर के नीचे जितने जानवर हैं, मछली है, प्राउन्स हैं, तो ये दो ही चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं हमारे यहाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। पाकिस्तान में चूँकि गर्मियाँ आ जाती हैं तो यहाँ ठंडे इलाकों में नारान का कान वगैरह, तो ट्राउट वगैरह या दूसरी फ़िश अवेलेबल होती है, तो इन सी फूड में बहुत, वहाँ उसको सी फूड तो नहीं करेंगे, दरिया की फ़िश कहेंगे, लेकिन उस पर भी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो सी फूड का इस्तेमाल करें। गर्म इलाकों में पंजाब में ख़त्म हो जाती है, लोग सिर्फ सर्दियों में खाते हैं, तो यूके के रहने वाले हमारे लोग जो, या नारान का गान रहने वाले, अगर उनको ऑक्सीजन की कमी फील हो रही है तो मछली का इस्तेमाल करें, ये हफ्ते में एक दफ़ा या दो दफ़ा कर सकते हैं, जो अफोर्ड करते हैं डेली कर सकते हैं। इसके बाद ब्लूबेरी, ब्लूबेरी सुपर फूड में आता है, ब्लूबेरी रिच ऑफ ऑक्सीजन, ये इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और बहुत आला चीज़ है, इसका लाजमी इस्तेमाल करें। ये पाकिस्तान में इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, डिब्बे में मिलेगा, डिब्बे के मैं मुखालिफ हूँ कि प्रिजर्व की हुई चीज़ कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ, अगर बाहर दूसरे कंट्रीज़ के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी अफोर्ड करने वाले लोग डिब्बे वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, डिब्बे वाला ब्लूबेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, हमारा ऑक्सीजन लेवल अप जाएगा। इसके बाद है जी लेमन, लेमन में बहुत ज़्यादा रिच ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन अगर गला ख़राब हो गया है, दो तरह के जिस्म हैं, कुछ लोग खटास से गला ख़राब होता है उनका, और कुछ लोगों का नहीं होता, तो जिनका नहीं होता वो लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जिनका होता है उसका तरीकाकार ये है कि डायरेक्ट लेमन ना इस्तेमाल करें, सालन के ऊपर या किसी भी चीज़, जो आप ड्राई चीज़ खा रहे हैं, कोई चिकन बना के खा रहे हैं,
तो वेजिटेबल बना के खा रहे हैं, उसके ऊपर लेमन डाल लें, तो ये बड़ा रिच इस तरह की चीज रिच ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है। इसके साथ ड्राई फ्रूट में कैशोनट, कैशोनट में बहुत ज़्यादा, काजू कैशोनट उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। उसका कम अज़ कम एक मुट्ठी भर के अगर, यानी उसमें 7-8 दाने आएंगे, ज़्यादा ना खाएं। कैश अगर ज़्यादा हम ड्राई फ्रूट खाएंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल को हाई करता है, अगर कम खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। इसका इस्तेमाल करें, सुबह उठ के एक अखरोट का इस्तेमाल करें, उससे भी ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है। लेकिन हम बात करें लंग्स को प्रोड्यूस सही करने के लिए, तो उसमें कैशोनट ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने कैशोनट जो आपको अखरोट बताया है ये डिफरेंट है, इसको इसमें शामिल ना कीजिएगा। लंग्स को जो बेहतर करती हैं चीज़ें, जो मैंने पहली चीज़ें बताई हैं वो उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लंग्स को बेहतर करती हैं, उसमें नंबर वन पे जो आता है वो अदरक है, ठीक है, जिंजर। अदरक बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है लंग्स को, अदरक का कहवा 3 दफ़ा पिए, 4 दफ़ा पिए। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो कह रहे हैं कि 7 दिन बाद इफ़ेक्ट शुरू होता है, ऐसा नहीं है, उसी वक्त इफ़ेक्ट शुरू होता है। अदरक सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है, अदरक का कहवा, अदरक को कद्दूकश करके उसका क्या, उसमें कोई चीज़ भी ना मिलाएं, अगर आपने नहीं मिलानी तो 1 चम्मच उसका डालें, 2 कप पानी डालें, उसको जब इतना पकाएं 1 कप रह जाए तो उसमें ऊपर थोड़ा मिंट रखें, तो वो आप पिए, आपके लंग्स बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो लंग्स को बेहतर करती हैं, ग्रीन टी, ग्रीन टी बहुत सारी अवेलेबल हैं, ये आप इस्तेमाल करें, बहुत आला चीज़ है, ये भी लंग्स को बेहतर करती है। पहली जो 10 चीज़ें थी वो उसमें रिच ऑफ ऑक्सीजन है, आखिरी जो 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो लंग्स को बेहतर करती हैं। आखिरी मैंने आपको बताई अदरक, उसके बाद ग्रीन टी, इसके बाद आखिरी जो है एप्पल। एप्पल लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, एक अगर सेब खाएं तो डॉक्टर से दूर रहें, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। इसके बाद आते हैं मेडिसिन के मुतालिक कि मेडिसिन होम्योपैथिक में कौन कौन सी है। बुखार अगर है आपको, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हैं, तो आर्सेनिकम एल्बम 200 में आप लेंगे तो बुखार ठीक हो जाएगा, प्यास वाला मसला ठीक हो जाएगा। बुखार अगर है ज़्यादा अरसे के बाद, ज़्यादा पानी पी रहे हैं, तो आप ब्रायोनिया लेंगे 200 में, ब्रायोनिया 200 में, तो उससे आपका बुखार इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन की कमी जब फील होने लगे, ऑक्सीमीटर अगर बता रहा है कि कम होनी है, ऑक्सीजन शुरू होगी, तो नंबर वन पे जो मेडिसिन आती है वो कार्बोविच है। कार्बोविच उसको आप 30 से स्टार्ट करें, सुबह दोपहर दिन में 4 दफ़ा ले लें, 2-3 ड्रॉप्स, और उसके बाद 200 में ले सकते हैं, 1 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद 200 ले लें। लेकिन ग़ज़ाओं का इस्तेमाल घर कर सकते हैं, अगर बीमारी आ गई है तो डॉक्टर से लाजमी रजू करें। मेरे क्लिनिक पे तो इस वबा के पेशेंट्स आ रहे हैं, मेरे पास जो रिकॉर्डेड पेशेंट आज तक 32 से ज़्यादा आ चुके हैं, और बहुत सारे क्योर हुए हैं, जिनको सिर्फ एलोपैथिक में पैनाडोल दी है मैंने, और बाकी मैंने अपनी मेडिसिन दी हैं। कईयों को पैनाडोल भी नहीं दी, और सिर्फ अपनी मेडिसिन से ही, बायोप्लेस्टन 11 है शोबे का, वो मैंने दिया है, उससे बुखार उतर गया, और साथ मैंने कोई ना कोई दवाई अपनी दी है जो उससे सिलेक्ट हुई है। ये याद रखें, जो एक दवाई किसी एक पेशेंट पे काम करती है, वो दवाई दूसरे पेशेंट पे काम नहीं करेगी। हर बंदे का मजाज अलग है, हर बंदे का जिस्म अलग है, हर बंदे की जिसामत अलग है, पतले बंदे की और दवाई है, मोटे की और दवाई है, किसी कोई अपनी मर्ज़ को बर्दाश्त कर लेता है, कोई नहीं करता, तो हर एक की मजाज के हिसाब से हम मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, ये तीनों वीडियोस आप प्रॉपर देखें, ताकि आप घर में ही बैठ के अपना इलाज कर सकें। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डॉक्टर नदीम सरवर के नाम से ही है, और अपने इर्द गिर्द भी ध्यान रखें। कुछ नहीं होता, मास्क पहन के N95
मिलें आप लोग लोगों को, उनकी इमदाद करें। प्लाज्मे का आजकल है, वो लाजमी दें, अगर किसी को हो के नेगेटिव हो गया है तो लाजमी किसी ना किसी को दें। बहुत शुक्रिया।